दोस्तों आईपीएल को 12 साल हो चुके हैं और पंजाब की टीम किंग्स इलेवन पंजाब आज तक एक भी टाइटल अपने नाम नहीं कर पाई है और हर साल ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं पर फिर से वही निराशा भरी कहानी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इस बार देखते हैं कि क्या कमाल दिखा पाएंगे, इनके खिलाड़ियों पर नज़र डालेंगे, देखते हैं कि कौन सी बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है। तो अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ये जानने के लिए कौन कौन से खिलाड़ी इनकी प्लेइंग 11 में फिट बैठते हैं। इस टीम की ओपनिंग करते हुए हमें नज़र आएंगे केएल राहुल और उनके साथ ही क्रिस गेल नज़र आएंगे। केएल राहुल दोस्तों इस टीम के कप्तान भी हैं और विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही क्रिस गेल बहुत ही बड़े हिटर हैं और वो बहुत धुआंधार बल्लेबाजी करके टीम को एक तरफा मैच जिता सकते हैं। तीन पे हमें खेलते हुए नज़र आएंगे मयंक अग्रवाल, जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आए टेस्ट क्रिकेट के दौरान और पिछले साल के आईपीएल में भी उन्होंने एक आध धुआंधार पारियाँ खेली हुई हैं। नंबर चार पे खेलते हुए हमें नज़र आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन, जो कि वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज हैं तो यहाँ पे वो एक फॉरेन खिलाड़ी के रूप में खेलेंगे। नंबर पाँच पे हमें खेलते हुए नज़र आएंगे ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं और पिछला जो बिग बैश लीग उन्होंने खेला हुआ है उसमें शानदार बल्लेबाजी करके सबको दिखाया हुआ है, तो वो इस टीम के प्रमुख बल्लेबाज होने वाले हैं और फिनिशर का रोल भी उन्हीं को निभाना पड़ेगा। नंबर छः पे बल्लेबाजी करने आएंगे मनदीप सिंह या फिर दीपक हुडा। दीपक हुडा को इन्होंने इसी साल के आईपीएल में ख़रीदा हुआ है तो उनको काफ़ी जिम्मेदारी होने वाली है, साथ में वो स्पिन बॉलिंग का भी एक विकल्प इनको प्रोवाइड करते हैं। नंबर सात पे खेलेंगे कृष्णप्पा गौतम, जो कि स्पिन बॉलर हैं, ऑफ स्पिनर हैं और अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। पिछले ही साल इन्होंने उन्हें राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया था। नंबर आठ पे खेलेंगे मोहम्मद शमी। दोस्तों इंडियन क्रिकेट सर्किट में मोहम्मद शमी का ये साल बहुत कारगर साबित हुआ था, इससे पहले वाला साल भी बहुत अच्छा था। उम्मीद करेंगे इस साल आईपीएल में भी कुछ ऐसा ही करके दिखाएं और अपनी टीम को आगे तक ले जाएं। नंबर नौ पे खेलते हुए हमें नज़र आएंगे ईशान पोरल। दोस्तों अंडर 19 की टीम से ईशान पोरल भारत की आए हैं और बहुत अच्छे गेंदबाज नज़र आ रहे थे। ये अभी रणजी ट्रॉफी का जो सीज़न हुआ था इस साल का, उसमें इन्होंने काफ़ी विकेट चटकाए हुए हैं। नंबर 10 पे खेलेंगे शेल्डन कॉटरल। दोस्तों शेल्डन कॉटरल को इन्होंने 8 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत में ख़रीदा था और ये लेफ्ट आर्म पेसर हैं तो इनकी जगह यहाँ पे पक्की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमत में ख़रीदा है और यहाँ पे ज़रूर खेलते हुए नज़र आएंगे। नंबर 11 पे खेलते हुए हमें नज़र आएंगे मुरुगन अश्विन। दोस्तों मुरुगन अश्विन जो हैं वो एक लेग स्पिनर हैं जो कि तमिलनाडु की तरफ से खेलते हैं रणजी ट्रॉफी या फिर डोमेस्टिक सर्किट में, तो वो इस साल यहाँ पे हमको नंबर 11 पे इनकी तरफ से खेलते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों ये थी किंग्स इलेवन पंजाब की बेस्ट प्लेइंग 11 जो मुझे लगी। अगर आपको कुछ और लगती है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए।